जिन ऑफिशियल्स की ड्यूटी नहीं है वो ऑफिशियल एरिना में ही रहे, इधर उधर ना जाए। धन्यवाद सर, आपने खिलाड़ियों से परिचय या आशीर्वाद दिया। श्री कुलदीप दलाल जी, महासचिव अनेक और कबड्डी एसोसिएशन है हरियाणा, वजीर सिंह जी, सिटी एसएचओ के गोदारा जी, हाँ जी आगे है टीम, दीपक हुड्डा बिल्कुल इनकम टैक्स ऑफिसर अपनी टीम के साथ, दीपक हुड्डा नहीं सर, अमित हुड्डा माफी चाहूंगा सर, बिल्कुल शरीफ की बात है, अच्छे की बात है, बहुत अच्छी टीम, बरखा की बात है। हाँ जी लाइनअप है गोलदार टीम सर, सुखपाल जी जो हमारे टेक्निकल इंचार्ज है, मैं अनुरोध करूंगा श्री कुलदीप दलाल जी सर आई अतिथियों को बिल्कुल साथ लेकर खेल मैदान पर जिला भिवानी की टीम के खिलाड़ियों से परिचय देंगे, आशीर्वाद देंगे। वीरेंद्र जी, सभी हमारी चरखी दादरी एमएचओर कबड्डी एसोसिएशन के गोदारा जी, वजीर सिंह जी सिटी एसएसओ, सुखबीर जी सांगवान, बिल्कुल वीरेंद्र जी, प्रेम सिंह जी दलाल, राम अवतार जी पूर्व सरपंच आदमपुर गाड़ी, कुमारी प्रीम का पियाने के दादा जी हैं, फिर उनके साहु विजय कुमार जी बात है, सुरजीत जी नरवा भीम अवार्डी है, बिल्कुल सोनू शर्मा जी सिंगरेस कंपनी के हरियाणा के डिस्ट्रीब्यूटर, बिल्कुल बड़ा सहयोग साथ दे रहे हैं। और ये जिला पलवल की टीम से परिचय लेते हुए, बड़ा ऐतिहासिक जिला है पलवल, 2008 में हरियाणा प्रदेश के मानचित्र पर आया, बिल्कुल 1359 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल, 10,42,708 की जनसंख्या, और जो खिलाड़ियों में पुरस्कार प्राप्त किया 2018 में एक खिलाड़ी को 30,000 रुपए मिले थे, जो 1523 खिलाड़ी थे हरियाणा सरकार के द्वारा। ये पलवल जिले का लेखा जोखा और बहुत अच्छी टीम, बहुत छोटा सा जिला है, दूसरी तरफ भिवानी जिला जिसको हिंदुस्तान में बिल्कुल एक मिनी क्यूबा के नाम से जाना जाता है, क्यूबा देश बिल्कुल पंचों का देश है, बॉक्सिंग का देश है, उन्होंने भी मान लिया यदि हिंदुस्तान के अंदर कोई जिला तो वो हरियाणा प्रदेश का भिवानी जिला। बड़े अच्छे खिलाड़ी जिले ने हिंदुस्तान को देने का काम किया, 191 खिलाड़ियों ने 2,28,000 रुपए की धनराशि जीतने का काम किया। धन्यवाद करते हैं, सैल्यूट करते हैं जिला भिवानी को। और अब भी हरियाणा में जब एसआई की हमारी नियुक्ति हुई, सबसे ज्यादा 50 सब इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस ये भिवानी जिले को ही श्रेय जाता है, बड़े अच्छे यहाँ पर टैलेंटेड है, पढ़ते हैं, नमन करते हैं जिला भिवानी। संदीप आजो भाई, आप भी बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं, संदीप किरोड़ी आजकल स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट कलर्क के पद को सुशोभित कर रहे हैं, संदीप किरोड़ी
देखिए, मैं अनुरोध करूंगा अभी जो रेट पर चला नंबर दो की जर्सी का खिलाड़ी मिथु शर्मा, जूनियर नेशनल का लगातार दो बार का बेस्ट रेडर जिसका अवार्ड इस खिलाड़ी को मिला, लगातार दो जूनियर नेशनल, पहले रोहतक के अंदर वहां पर भी एक खिलाड़ी बेस्ट रेडर का अवार्ड लेकर के लौटा, उसके बाद तेलंगाना में जो पिछला जूनियर नेशनल हुआ उस नेशनल का भी बेस्ट रेडर घोषित हुआ, बहुत ही स्टार खिलाड़ी। और अब इस प्रो कबड्डी सीजन में हरियाणा स्टीलर्स का हिस्सा बन करके आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई देगा। अंकित बेनीवाल की एक अच्छी रेड, बिल्कुल सुपर रेड लगाने का काम किया, तीन अंक लेकर के वापिस लौटा, तीन अंकों के साथ अंकित बेनीवाल। और अब चला चार नंबर की जर्सी का धुआनी टीम का रेडर नरेंद्र, ये इसकी खासियत है। किसी किसी खिलाड़ी में वीरेंद्र जी बबलू अलग अलग खासियत होती है, इस खिलाड़ी का रनिंग का बेहतरीन मास्टर। वीरेंद्र बबलू आइए, ये खिलाड़ी भी नेशनल का गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी है नरेंद्र। अंकित बेनीवाल लगातार अच्छा स्कोर कर रहा है, तेलुगु टाइटंस का हिस्सा बनकर के लगातार तीन सीजन से ये खिलाड़ी भी प्रो कबड्डी लीग का हिस्सा बना हुआ है। और अब फिर नरेंद्र रेड में प्रयास रहा तो शायद टच किया, बिल्कुल खिलाड़ी ने माना कि बेनीवाल को टच किया, स्वीकार किया, हां भाई मुझे टच हुआ। अब चला भरता बहुत लंबी ऊंची कद काठी का खिलाड़ी, प्रयासरत है लेकिन स्कोर लेने में सफल नहीं रहा। फिर चला नरेंद्र, प्रयास कर रहा है, लेकिन ये रेट भी इंपेटिनेंट। फिर चला मिथु शर्मा, गांव न्योंथा जिला पानीपत, लेकिन इस समय जिला पलवल का हिस्सा बन करके बीच मैदान पर अपना प्रदर्शन कर रहा है खिलाड़ी। खाली इंपैक्टी रेट, फिर रेट भवानी की तरफ से छह नंबर की जर्सी का खिलाड़ी, प्रयास चल रहे हैं, ट्राई चल रही है और दस अंक लिया, अंक लेकर के सफल। नरेंद्र भी अच्छा स्कोर कर रहा है, लगातार अपनी टीम को मदद दिलवा रहा है, वापसी कराए हुए हैं, बराबर का मैच चल रहा है अभी तक का। अमित रूटा को टच करके वापिस, फिर मिथु शर्मा, और देखिए स्पीड की कंट्रोल नहीं हुआ, एक खिलाड़ी सेल्फ आउट गया, एक टच लिया, दो अंक लेकर के वापसी,
मिंटू शर्मा। अच्छी ड्राई की थी खिलाड़ी ने, लेकिन उसके साथ ही अच्छा बचाव किया, अंक लेने में सफल रहा। और महिला वर्ग का जो मैच चल रहा है उसका आधा समय समाप्त हो चुका है। स्कोर एक बार ऑफिशियल टेबल पर भिजवाए। ऑफिशियल से मेरा अनुरोध है स्कोर इस मैच का ऑफिशियल टेबल पर भिजवाए। और देखिए हमारे बीच में बहुत बड़े समाज सेवी गुरुग्राम से माननीय श्री हरविंदर सिंह जी कोहली और उनकी सारी टीम हमारे बीच में संधि मिनटों में पहुंच रहे हैं। 8/11 अरविंदर जी कोहली समाज से सोनीपत के पक्ष में गुरुग्राम से हमारे बीच में पहुंचे। महिला वर्गों में चल रहा 11/8 का स्कोर सोनीपत के पक्ष में और प्रवेश द्वार पर इनका मुकाबला। स्वागत कमेटी के द्वारा उनका फूल मालाओं के द्वारा ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत अभिनंदन अभिवादन किया जा रहा है। माननीय श्री हरविंदर सिंह जी कोहली समाज सेवी गुरुग्राम सर स्वागत है। हरियाणा राज्य क्षत्रिय पुरुष है महिला इस प्रतियोगिता में आपका अभिनंदन स्वागत है। एमएचओर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा प्रदेश के बैनर तले बहुत बड़ी प्रतियोगिता ये एमएचओर कबड्डी एसोसिएशन सरखी दादरी के द्वारा बिल्कुल सौजन्य से आपके बीच में आपका स्वागत है। माननीय हरविंदर सिंह जी को भी इस बार मिथुन शर्मा को कैच, अच्छी कैच, इससे अगले मैचों के लिए चारों टीमें अपने आप को तैयार रखें। पुरुष वर्ग का मैच होगा चरखी दादरी वर्सेस हिसार, महिला वर्ग का मैच होगा हिसार वर्सेस भिवानी। चारों टीमें अपने आप को तैयार रखें। एक और कबड्डी की महान हस्ती जिनमें हम आपको साथ साथ परिचय करा रहे हैं हमारे बीच में पहुंचे हैं ढोल नगाड़ों के साथ हमारी जो आयोजक समिति उनको लेकर के आ रहे हैं। कबड्डी की बहुत बड़ी महान हस्ती अर्जुन अवार्ड श्री रमेश कुमार फरमारा डीएसपी के पद पर तैनात वो महान शख्सियत हमारे बीच में पहुंचे हैं। हमारी आयोजन समिति उनको बिल्कुल सम्मान के साथ मंच की तरफ लेकर जा रहे हैं। श्री रमेश करमाड़ा बहुत लंबे अरसे तक एक अच्छी कबड्डी खेली। भारत सरकार ने खिलाड़ी का जो सर्वोच्च सम्मान होता है अर्जुन अवार्ड उससे नवाजा और हरियाणा पुलिस में डीएसपी के पद पर कार्यरत है वो महान शख्सियत हमारे बीच में मंच पर मौजूद है। बिल्कुल सही बताया सर। रमेश जी हमारा परिवार से 14 किलोमीटर की दूरी पर गांव हिंदुस्तान के लिए 2 एशियन गेम खेले 2002
की बात हो, दक्षिण कोरिया के बुसान की बात हो और कतर दोहा की बात हो और तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा अर्जुन अवार्ड मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस 29 अगस्त को जो मनाया जाता खेल दिवस के रूप में देने का काम किया। डीएसपी हरियाणा पुलिस हमारे बीच में है सर, आपका स्वागत है, अभिनंदन अभिवादन है माननीय श्री रमेश कृमाराज। महिला वर्ग का जो मुकाबला चल रहा है बिल्कुल बराबरी का मुकाबला, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद स्कोर 11-10 बिल्कुल सही, अब 12-10 दो अंकों की मदद सोनीपत के पास है। बाबा श्री गीत भारती जी हमारे बीच पहुंचे हैं, आपसे निवेदन है आप मंच पर आ जाएं। इस बार नरेंद्र कौशिक के 4 नंबर की दर्शी में जो खिलाड़ी खेल रहा है, अक्षय राठी जिला रोहतक के जो प्रेसिडेंट हैं, अनिल राठी जी उनका सुपुत्र है और बहुत अच्छा खेल रहा है बिल्कुल आप, और मिथु शर्मा एक बार फिर कामयाब, 2 अंक लेकर के वापस। और हमारे मध्य में महंत जीत भारती जी और साथ में कलिंगा गांव के सरपंच दिनेश कुमार जी और उनकी सारी टीम पहुंची है, स्वागत है अभिनंदन अभिवादन है महंत जी का। और मैं अनुरोध करूंगा नरेंद्र की अच्छी रेल, ये खिलाड़ी लगातार अपना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, मैच का परिणाम चाहे कुछ भी आए लेकिन खिलाड़ी का प्रदर्शन लाजवाब। और अभी मान सम्मान की प्रक्रिया जारी है, हमारे बीच में कल से बड़ा सहयोग साथ दे रहे हैं माननीय श्री के गोदारा जी, टीम अवार्डी फर्स्ट एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट, उनको हमारे सभी एसोसिएशन के पदाधिकारी माननीय श्री कुलदीप जी दलाल महासचिव, एमएचओ कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा राजेश पवार जी प्रधान, कबड्डी संघ चरखी दादरी वीरेंद्र जी फोगाट, राजेश जी फोगाट, सभी साथी सम्मानित कर रहे हैं माननीय श्री के गोदारा जी, जिनको हरियाणा सरकार ने 1994 में बहुत बड़ा पुरस्कार भीम अवार्ड से सम्मानित करने का काम किया और बिल्कुल
साथ में हरविंदर जी कोहली समाज सेवी गुरुग्राम गुरुवामा उनके हाथों से, साथ में हमारी एसोसिएशन के सभा पदाधिकारी और अर्जुन अवार्डी डीएसपी हरियाणा पुलिस माननीय श्री रमेश जी के द्वारा एक बार फिर निरंतर कामयाब में है, सहयोग साथ दे रहे हैं, लगातार स्कोर कर रहा है खिलाड़ी। मान सम्मान शॉल और स्मृति चिंदे का सम्मानित किया। अब अंतिम खिलाड़ी शेष है जनाब रविंदर चहल जी, साहब जी के साथ में आए हैं, ये भी हमारे लिए बड़े सम्मानित हैं। रविंदर चहल जी को भी सम्मानित कर रहे हमारा संगठन एसोसिएशन, रविंदर चहल जी शॉल के द्वारा और स्मृति चिंदे का सम्मानित किया जा रहा है। ज्यादा समय समाप्त, बिल्कुल निरंतर के दम पर खिलाड़ियों ने साथ दिया, लोना पलवल की टीम को किया और स्कोर मैं जानना चाहूंगा 24 और 28 है क्या, 28-24 इन फेवर ऑफ पलवल, 4 अंकों की कोई लंबी चौड़ी बढ़त नहीं, रोहित सभी पहल को सम्मानित कर रहे हैं। भिवाड़ी की टीम ने पलटवार किया है, कुछ भी हो सकता है और वहां पर महिला वर्ग का मैच भी बिल्कुल बहुत ही बराबरी का मुकाबला चला हुआ है, सोनीपत के पक्ष में 2 अंकों की मदद है और मैं अंतिम समय में कुछ भी हो सकता है, अंतिम 2 मिनट का समय शेष है, 2 अंकों की मदद सोनीपत के पास है, मैच का परिणाम कुछ भी आ सकता है। अच्छा टैकल किया सोनीपत की टीम ने, और वहां पर सोनीपत की टीम ने जीत दर्ज की, सेमीफाइनल में अपना स्थान बनाया।